मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पूर्व सांसद रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें एनआईए कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ अब वारंट जारी हो गया है। कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कोर्ट में उपस्थित होने का। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। भोपाल की पूर्व सांसद रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की एक बार फिर मुश्किलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ा हुआ जो मामला है वो एनआईए कोर्ट में चल रहा है मुंबई में, और अब एनआईए कोर्ट ने उनको हाजिर होने के निर्देश दिए थे। उनकी गैर हाजिरी के मद्देनजर अब एनआईए कोर्ट की तरफ से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। दर्शकों को बता दें कि मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मंगलवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी बीजेपी नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई में शामिल नहीं होने पर जमानती वारंट जारी किया है। विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने कहा है कि मामले में अंतिम बहस चल रही है और आरोपी की उपस्थिति आवश्यक है। उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। वारंट 13 नवंबर तक वापस किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 13 नवंबर तक अदालत में पेश होना होगा और इसे रद्द कराना होगा। जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एनआईए अदालत से उन्हें उपस्थित रहने के लिए उचित समय देने का अनुरोध किया था और ये कहा था कि उनकी स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं जिसके चलते वो कोर्ट में शामिल नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अदालत का कहना है कि आरोपी प्रज्ञा ठाकुर 4 जून से ही अदालत की कार्रवाई में शामिल नहीं हुई है। ये पूरा मालेगांव ब्लास्ट मामला क्या है ये भी दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में 29 सितंबर को 2008 में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में रखे बम में विस्फोट होने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 100 से अधिक लोग यहां पर घायल हुए थे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और 5 अन्य लोगों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यानी कि यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत विस्फोट की साजिश में कथित संलिप्तता के लिए मुकदमा चल रहा था। आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है, इसकी जो बहस है वो अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में एनआईए कोर्ट का आदेश है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इसी के चलते उनके खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।